ये देख सकते हो आप, ये है सोनू सूद का घर। के पास में आ चुका हूँ, द रियल हीरो ऑफ इंडिया सोनू सूद सर, देख सकते हो हैदराबाद मुंबई। हेलो गाइस, स्वागत है नए वीडियो के साथ में। और भाई साहब, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोनू सूद सर का घर दिखाने वाला हूँ। वो कितना खूबसूरत, हैंडसम और कितने अच्छे दिल के एक्टर है वो आपको पता है, क्योंकि उन्होंने कोरोना टाइम में इतने अच्छे काम किए थे, इतने पब्लिक को उन्होंने बचाया था, उनका घर पहुंचाया था, कितने मुसीबत में फंसा हुआ था, उनको खाना पीना सब दिया था। और साथ ही अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ भी उन्होंने, सोनू सूद सर ने वहाँ भी बहुत सारे बच्चे, मतलब स्टूडेंट है, उसको मतलब वापस इंडिया लाया। उन्होंने ट्वीट करके भी इंडियन सरकार को मतलब वो बताया था कि मैं भी हेल्प कर सकता हूँ आपको वहाँ पर। उस सर का पिक्चर भी आज आने वाला है, पृथ्वीराज और आचार्य, दो फिल्म है ये भी आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट पॉपुलर उनका फिल्म होने सकता है। उन्होंने खुद ही बताया इंटरव्यू में कि उसका सबसे बेहतरीन फिल्म जो उसका जो अभी तक फिल्म उन्होंने करियर में किया वो पृथ्वीराज चौहान, वो क्योंकि उसमें संजय दत्त, अक्षय कुमार, सोनू सूद सर और बहुत सारे एक्टर है, उसने बहुत शिद्दत के साथ उसमें काम किया। और उसका जो अभी लुक है ना, पूरा अलग ही मतलब लुक है, अभी तक जितना भी उसने फिल्म किया उसमें एक अलग ही लुक है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सोनू सर का घर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो आप। ये है सोनू सूद का घर। के पास में आ चुका हूँ, द रियल हीरो ऑफ इंडिया सोनू सूद सर, देख सकते हो हैदराबाद मुंबई का जो देख सकते हो। ये उनके घर के पास ये बैनर लगा हुआ है, देख सकते हो कितना खूबसूरत एक्टर है भाई साहब। और देख सकते हो ये जो बैनर है ना, ये बैनर लगाया है, पब्लिक ने लगाया है, देख सकते हो उसके घर के पास द रियल हीरो ऑफ इंडियन, कितना खूबसूरत है। तो मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ, घर पर भी देख सकते हो। यहाँ भाई लोग यहाँ पर काम भी कर रहा है। ये अभी आप यहाँ पे सर अभी है नहीं, सोनू सर है नहीं, अभी वो शायद दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन देख सकते हो ये अभी उनका ही घर है। आपको दिख रहा है दादा, ये सोनू सूद का घर ही है ना? हाँ अंकल, अभी अभी रहते हैं उसमें, आते हैं या अभी काम चलो घर का? साउथ अफ्रीका गया अभी। ये जो अभी घर का जो काम चलो, वही उनका घर है क्या? ये देख सकते हैं, ये है सोनू सर के घर के नाम है, देख सकते हो कासा बलंका, ये जो है सोनू सर के घर का नाम है। ये आपको दिख रहा है ना, ये कासा बलंका, ये सोनू सूद जो सर है उनके घर के, ये देख सकते हो। ये सामने है ना, मतलब ये गेट है, ये वाला जो गेट है ये अभी गेट है। और ये जो आपको झाड़ के पीछे आपको दिख नहीं दिख रहा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो आप, ये सोनू सर के घर का नेम प्लेट है कासा बलंका। और यहाँ पर सोनू सर का फोटो भी लगा हुआ है, ये देख सकते हो, ये उनका घर है। और यहाँ देख सकते हो सोनू सर का घर का फोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है, द रियल हीरो ऑफ इंडिया सोनू सूद सर, हैदराबाद मुंबई। और यहाँ पे देख सकते हो हैदराबाद में जो भाषा वहाँ का जो तेलुगु तमिल जो भाषा है, उस भाषा में पूरा ये बिल्डिंग का भी एक तरह काम चालू है। और आप देख सकते हो ये यही घर है जहाँ पे कोरोना के टाइम में पब्लिक यहाँ उनके घर पे हेल्प मांगने के लिए, कोई अपना काम मतलब लगाने के लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए मतलब सर से यहीं आते थे। उनके घर का नेम प्लेट है, आपको सामने दिख रहा है ना, ये कासा बलंका, ये सोनू सर जो सर है उनके घर का नाम, ये सोनू सर के घर के नेम है, देख सकते हो। ये कासा बलंका जो है घर का, ये सोनू सूद के सर है ना उनके घर का नाम है। अभी यहाँ पे है भी नहीं, घर का काम भी चालू है, ये भी बाहर गांव गए हैं मतलब शूट करने के लिए, वीडियो वीडियो शूट करने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सोनू सर के घर पर जाने के लिए आपको सबसे पहले देख सकते हो मूवीज टावर जो है आपको सामने दिख रहा होगा, ये देख सकते हो गाड़ी अभी आ रही है, ये देख सकते हो कितने महंगे महंगे गाड़ी सब आ रहा है, क्योंकि ये मूवीज टावर यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स लोग रहते हैं। देख सकते हो ये जो आपको गली दिख रहा है, यहाँ से आपको लेफ्ट में जाना है, यहाँ से लेफ्ट पर जाएगा तो ये ध्यान रखें मूवी टावर, ठीक है। उसके बाद और भी आगे मैं दिखाता हूँ सर का घर, आई लव ऑकलैंड, देख सकते हो ये आइलैंड ऑकलैंड दिख रहा है ना आपको, इसके ठीक बाजू में आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो, ये आपको बैनर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये है आपको दिख रहा है ना आपको। और यही बिल्डिंग अभी इतने है नहीं, अभी वो बाहर गए कहीं पर शायद।